मैदानों में दान कन्यादान कराती है बेटियां कि माता पिता को मोक्ष दिलाती है। लेकिन दुनिया की सच्चाई कि सबको बेटा चाहिए, सबको बेटा चाहिए, तो ये बेटियां कहां जाएंगी, ये सोच कब तक बेटियों की हत्याएं करवाएंगी। कह दो सच्चे दरबार की, क्योंकि दुनिया में बेटियों की हत्या बेटों की चाह में होती है। कह दो सच्चे दरबार की, आप इस दरबार में तो आए हो, लेकिन माता रानी ये कभी नहीं कहती कि आप किसी की बहन बेटी का अपमान करो और फिर मेरे दरबार में आओ, क्योंकि हर लड़की की इज्जत होती है, हर बेटी किसी, हर लड़की किसी के घर की बहन, किसी के घर की बेटी होती है। लेकिन कोई इंसान जब आपकी खुद की बहन के लिए कुछ बात बोलता है तो आप मरने मारने पर उतर आते हो, लेकिन आप किसी और की लड़की के बारे में कहने से पहले कोई नहीं, कुछ कुछ नहीं सोचता। इसलिए एक भजन बेटियों के लिए कहा कि बेटे का सम्मान करो, पर ऐसा कोई काम ना हो कि दुनिया वालों जाने रखना बेटी का अपमान। सच्चे दरबार की, आइए मीठी मीठी ताली बजा कर पूरा भजन सुनिएगा। आइए 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उसके घर में पैदा होती है एक बेटी, क्योंकि बेटा मिलता है भाग्य से और बेटियां मिलती हैं 100 भाग्य से। तो जिन जिन के पास बेटियां हैं ये लाइन उनके लिए है। क्या किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, किस्मत वालों को कन्यादान से बढ़कर
दुनिया वालों ध्यान रखना बेटी का अपमान हो। भैया ईशु भैया पानी बांट रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है प्लीज आप 10 मिनट का समय दे दीजिए मुझे, उसके बाद आप आइएगा क्योंकि आप आएंगे माहौल पूरा बिगड़ जाएगा। बेटा माँ बाप को बहुत ज्यादा परेशान करता है और माँ बाप को
साथ रखने में बच्चों को शर्म आने लगती है। माँ बाप का बुढ़ापा जब बच्चों को बुरा लगने लगता है तब जाकर माँ बाप मजबूरी में अपने बेटों के पैर क्योंकि जब बेटा छोटा होता है ना माँ बाप सबसे ज्यादा प्यार बेटों को करते हैं और कहते हैं क्या, तुझ सूरज कहो या चंदा, तुझ दीप कहो या तारा, तुझ सूरज कहो या चंदा या दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा रंग मेरा सितारा, तेरा नाम करेगा रोशन, जग में तेरा राज दुलारा। वही राज दुलारा जब बड़े होकर के नालायक निकम्मा नाकारा निकलता है और माँ बाप से ये प्रश्न पूछता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या करा है तुमने, तो माँ बाप बने हुए इतना भी नहीं करोगे। जिस दिन बच्चे ऐसे कहते हैं उस दिन माँ बाप यहाँ से टूट जाते हैं, यहाँ से, क्योंकि कहते हैं कि औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसने औलाद ने मारा। आपका बर्बाद होने के लिए आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है अगर आपकी खुद की औलाद बेकार है तो, और आपसे बड़ा दुनिया में कोई अमीर नहीं है अगर आपकी औलाद अच्छी है तो, क्योंकि कहते हैं कि छूने पड़े पैर बेटों के ऐसे दिन ना कभी आए, छूने नहीं जो पैर बेटी के यज्ञों का सौ यज्ञों का फल मिल जाए सौ यज्ञों का फल मिल जाए दुनिया वालों ध्यान ये रखना बेटी का अपमान ना हो। एकदम सही है भैया, बिल्कुल सही है। अभी तक मैंने आप सबसे ये कहा था कि बेटियां बोझ होती हैं, लोग बेटियों को सही नजरिए से नहीं देखते इसलिए बेटियों को पैदा नहीं करते, लेकिन भैया उससे भी सबसे बड़ा कारण जो है, अच्छा एक बार जितनी भी यहाँ बेटियां बैठी हैं 12 साल से लेकर 25-26 साल तक, एक बार वो सारी बहन मेरी छोटी वाली हाथ उठाने, जितनी भी बेटियां बैठी एक बार जरा हाथ उठाने, सभी बेटियां बहुत बढ़िया, जितनी मेरी छोटी बहनें बैठी हैं मैं उन सबसे एक बात बता दूं कि माँ बाप एक डर से और बेटियों को जन्म देने से पहले डरते हैं, क्योंकि माँ बाप को बेटियां बुरी नहीं लगती, क्योंकि जैसे बेटे पलते हैं वैसे बेटियां पल जाती हैं, लेकिन माँ बाप को सबसे बड़ा डर ये होता है कि कल को कहीं बड़ी होकर के कोई ऐसा कदम ना उठा दे जिससे हमारी इज्जत पर दाग लग जाए, क्योंकि एक बार कलंक लग गया तो छुटना मुश्किल हो जाता है। तो जितनी भी बेटियां बैठी हैं मैं उन सबसे अपनी छोटी बहन समझ के एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कभी जिंदगी में कोई काम ऐसा मत करना जिससे आपके माँ बाप को ये अफसोस हो कि आपने बेटी को जन्म दे करके कोई गलती। मैया मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हूँ ना, क्योंकि आप माँ बाप का शान है, माँ बाप का सम्मान है। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हम अपनी बेटी को मार दें या हम अपनी बेटी को पढ़ने लिखने ना दें, सबके माँ बाप चाहते हैं हम अपनी बेटी को खूब पढ़ाएं लिखाएं। मेरे माँ बाप ने खूब पढ़ाया लिखाया मुझे, मैं मास्टर्स हूँ, बीएड हूँ, बुलंदशहर डीपीएस में पढ़ाती थी विवाह से पहले, और मैं जागरण भी करती थी। उस वक्त मेरे पिताजी मेरे साथ आते थे, लेकिन अभी मेरा ट्रांसफर गाजियाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल में हो चुका है इस, और विवाह के बाद में मेरे पति देव मेरे साथ में आते हैं। कोई रोक टोक नहीं करता, अगर आप अपने चरित्र से सही हैं तो आपको ना कोई बाहर जाने से मना करता और ना ही पढ़ने लिखने से मना करता। ये तो सारी कहने सुनने वाली बातें होती हैं कि हमको माँ बाप पढ़ा नहीं रहे, लड़की है तो बाहर निकलने नहीं दे रहे। आप कोई भी काम करते होंगे ऐसा जिससे माँ बाप को आप पे शक होता होगा,
माँ बाप कभी कोई नहीं चाहते हम अपनी बेटी को पढ़ाए लिखाए। बात समझ में आई? ताली नहीं बजाई। बिल्कुल सही बात है ना मैया। इसलिए एक पंक्ति, जब माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं तो कहते हैं क्या? कि हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। सके जब बेटी डोली में बैठती है ना,
तो सबसे कहती है एक बार मेरे पापा को बुला दो, क्योंकि मेरे पिता इतने सीधे हैं, पूरे परिवार का ध्यान रख सकते हैं, पर अपना ध्यान नहीं रख सकते। लेकिन बेटी के पिता को जैसे ही बुलाया जाता है, पिता आंसू पोंछ के आते हैं कि मेरी बेटी ने अगर आज मुझे रोता हुआ देख लिया तो मेरी बेटी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी का साहस हूँ, अपनी बेटी का सम्मान हूँ और अपनी बेटी की हिम्मत हूँ। अगर मैं उसके सामने रो गया तो मेरी बेटी आज टूट जाएगी। पिता जाते तो हैं लेकिन आंसू पोंछ के जाते हैं, और बेटी जैसे अपने पिता के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, कहती है पापा अपना ध्यान रखना, आज से अपना ध्यान रखना मेरे लिए। बेटी के पिता खुद को रोने से रोक नहीं पाते, अपनी बेटी को कलेजे से लगाते हैं और अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हैं, बेटा आज सिर्फ उस भगवान से एक बात मांगूंगा। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। तुझे मेरी कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। अपने पिता से कहती कि पापा आपको कैसे भूल सकती हूँ, आपको तो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती, क्योंकि पापा मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हो छोड़ के तेरी गली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हो छोड़ के तेरी गली बाबुल।